हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया रिक्रूटमेंट जो कि पंचायत विभाग की तरफ से आया है, जहाँ पे 761 टोटल वैकेंसीज निकल के आया है, जिसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले इसी के ऊपर। अगर आप भी पंचायत विभाग के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते तो किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा, क्या है प्रोसेस, सब कुछ इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊँगा। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2023 में होने वाला है, जहाँ पे रोड इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसी पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, उनके लिए एक बहुत बड़ी मौका है। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो जहाँ पे 761 वैकेंसीज निकल के आया है, इन वैकेंसीज को आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा। इन सारे जो वैकेंसीज निकल के आए, इन सारे वैकेंसीज के लिए एक एक करके हर कोई एप्लीकेशन कर सकते। ऑल ओवर इंडिया से, हर एक स्टेट से अंदर अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप पूरे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा उसका भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो रिटेन एग्ज़ाम यहाँ पे दिया गया है, तो मतलब आपको जो है रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो इसके लिए अगर आपको नहीं पता है क्या सिलेबस है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। जितनी भी कमेंट आएगा उसके ऊपर बेस करके मैं इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो लेके आऊँगा। यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के अलावा कुछ इंटरव्यू या कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जो है ये जॉब मिल सकता है। अभी बात करने वाला हूँ सैलरी की, जो कि 19,500 से 71,000 तक आपका सैलरी पर मंथ दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी जो है मौका है। जो सैलरी है बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो इनके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट 2023 एज लिमिट जो है 37 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा है। बट इसके अलावा एज पर द गवर्नमेंट रूल, ऑल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट SC ST OBC है, उन सारे कैंडिडेट यहाँ पे एज रिडक्शन मिलेगा। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट SC ST है तो उनके लिए 5 ईयर, OBC है तो उनके लिए 3 ईयर्स की एज रिडक्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात किया जाए तो 150 रुपीज़ फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड 200 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम फ़ीस। तो टोटल जो है 350 रुपीज़ आपको भरना होगा। और यहाँ पे कुछ SC ST या कुछ भी नहीं दिया गया, इसका मतलब है हर कोई यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपको देना होगा। जॉब लोकेशन आपको तमिलनाडु में रहने वाले हैं, दिक्कत करने की कोई बात नहीं होगा। और 10th पास करने वाले ही यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। कोई भी अगर 10th से भी ज़्यादा है उनके, वो भी लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो मिनिमम जो है 10th पास यहाँ पे रखा है। अगर आप 10th पास है तो डेफिनेटली यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा। ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड वहाँ पर आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह की जितने भी सर्टिफिकेट है उन सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा। एंड फॉर्म फिलअप ध्यान से करिएगा। यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है 11 फरवरी 2023 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।